जब आपने अपने घर से बाहर एक पांव रखा, एक कदम चले, तो वो कदम समझ लो क्रांतिकारी का कदम था, वो क्रांति की शुरुआत थी। आपका आना हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। आपका चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर। सबको मेरी नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। यहां पर बिलासपुर में आने का एक ही मकसद है कि जो देश है हमारा, उसको भगवान ने सब कुछ दिया। कहीं पे मारुथल दिया, कहीं पे समुंदर दिया, कहीं पे कोयला दिया, नदियां दी, पहाड़ दिए, पंजाब में उपजाऊ धरती दी, और देशभक्त लोग भी दिए, मेहनती लोग दिए भगवान ने देश को। एक कमी रह गई, देश को चलाने वाले नेता अच्छे नहीं दिए। वो नेता अच्छे नहीं दिए, उन नेताओं के को बदलने के लिए हम आपके पास आए हैं। जैसा कि डॉक्टर संदीप पाठक बोल रहे थे कि सरकार बदलने के लिए कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई फीस नहीं भरनी पड़ती, कि ट्यूशन नहीं रखनी पड़ती, बस सरकार बदलने के लिए दिल्ली और पंजाब के लोगों की तरह झाड़ू वाला बटन दबाना पड़ता है बस, और सरकार बदल जाती है। और जो अपने आप को पैसे वाले कहते हैं, धनवान कहते हैं, भाई साहब उनका पैसा जो है ना वो धरा धराया रह जाता है। ये पब्लिक जब ये धार ले मन में, ये बात पब्लिक के घर कर जाए कि इनको हराना है, जो मर्जी कर लें अब इनको हराना है, पंजाब में आकर देखना जो कहते थे हमारे पास पैसा है, हम कई पीढ़ियों से जीत रहे हैं, भाई साहब पूरे के पूरे परिवार हरा दिए, जमानतें जब्त करा दी उनकी। हमारे पास पैसा नहीं था, आज भी नहीं है। हमारे पास इनकी तरह गुंडे नहीं है, मसल पावर नहीं है। ये झूठे वादे करते हैं, हम गारंटियां देते हैं। आज दो तरीका भाई साहब, एक साल हो गया, पिछले साल 1 जुलाई 2022 को पंजाब सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 1 जुलाई 2022 को पंजाब में लोगों को बिजली मुफ्त देने का फैसला किया था। एक साल हो गया, आज भी 90% घरों को बिजली का बिल जीरो आता है भाई साहब। आप पूछ लेना, फोन करके पूछ लेना, 600 यूनिट फ्री है, 90% पंजाब को बिजली का बिल जीरो आता है। क्यों आता है? क्योंकि नीयत साफ है। और बिजली बोर्ड भी घाटे में नहीं है, बिजली बोर्ड को भी सब्सिडी दे रहे हैं पूरी, बिल्कुल वैसी जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने नए स्कूल बना दिए। सरकारी स्कूल इतने अच्छे हैं, आप कभी आना दिल्ली, दिल्ली आना और कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाना, भाई साहब ये देश में पहली बार देखा होगा आपने, एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक रेड़ी पटड़ी वाले का बच्चा, और एक जज का बेटा, और एक कमिश्नर का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे हैं भाई साहब दिल्ली में। अदरवाइज वरना गरीबों की किताबें और हैं, अमीरों की किताबें और हैं, अमीरों का सिलेबस और है, गरीबों का सिलेबस और है, अमीरों के मास्टर टीचर और हैं, गरीबों के और हैं। गरीबों को और गरीब रखो ये कहते हैं, इनको बच्चों को पढ़ने ना दो। अगर इनके बच्चे पढ़ लिख गए तो जो अफसर बन जाएंगे, अफसर बन गए तो उनकी 2-3 लाख रुपए सैलरी हो जाएगी महीने की, कमाने लगेंगे तो घर की गरीबी खत्म कर देंगे, और घर की गरीबी खत्म हो गई
तो भूपेश बघेल जैसे लोगों के घर के सामने सुबह सुबह अर्जियां लेकर कौन आएगा भाई साहब, हाथ जोड़ के लाइन में कौन खड़ा होगा फिर? इसलिए कहते हैं इनको यहीं रखो, इनको पढ़ाना नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम इनको पढ़ाएंगे, हम इनको डॉक्टर बनाएंगे, हम इनको वकील बनाएंगे। और वैसे ही अस्पतालों में दिल्ली में सारा दवाइयां फ्री हैं, पैरासीटामोल की एक छोटी सी गोली लेनी हो बुखार की, जा 40-50 लाख का कोई, भगवान ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जाए, कोई ऑपरेशन हो, फ्री है। तो आप सोचोगे कैसे फ्री है, पैसे कहां से? एक रुपया भी कर्जा नहीं लिया दिल्ली ने, क्योंकि IRS ऑफिसर हैं अरविंद केजरीवाल जी, इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, पढ़े लिखे हैं, चौथी पास नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इनको पता पैसा कहां से लाना है, कहां खर्चना है। 2-3 पुल ऐसे थे ओवरब्रिज दिल्ली में जो 250-300 करोड़ रुपए का अंदाजा था, पैसा इतना लगेगा। इन्होंने नए इंजीनियर लड़के बुलाए कि इसको दोबारा डिजाइन करो, वही पुल 150-150 करोड़ में बन गए। जितने 200-250 करोड़ रुपया बचा, पूरी दिल्ली को दवाई फ्री कर दी। भाई साहब इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए? या तो कर्जे में डुबो के लोगों को सहूलत दो, फिर तो कहो कि नहीं सरकार नहीं चला रहे, ये तो लोगों को खुश कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं हमारे माननीय मोदी जी, क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में? फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, ये बिजली फ्री, ये बसों में महिलाओं का सफर फ्री, ये इलाज फ्री, पढ़ाई फ्री, ये फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। भाई साहब छोटी सी रेवड़ी होती है, अरे गरीबों को बिजली फ्री दे दी, उनका इलाज फ्री कर दिया, पढ़ाई फ्री कर दी, तो आपको बहुत दुख हो रहा है। मुझे ये बता दीजिए, फ्री की रेवड़ी वाली जो कह रहे हैं उनसे ये पूछना कि हर आदमी के ओ हमारे वाली रेवड़ी मिल तो रही है, किसी वो नहीं मिलेगा। 15 लाख की बात छोड़ो, जो हमारे घर में 2-4 हजार रुपए पड़े थे इमरजेंसी के लिए, नोटबंदी करके वो 2000 का नोट बंद कर दिया, कहते 2000 का नोट शुरू कर दिया, कमाल कर दिया जी, कमाल कर दिया, अब बंद कर दिया। बीजेपी वाले फिर कह रहे हैं कमाल कर दिया जी, कमाल कर। तुम दिन को अगर दिन कहोगे तो दिन कहेंगे, दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे, वो वाली बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूं इनको कि आम आदमी पार्टी है, लोगों से टैक्स लेती है और टैक्स का पैसा लोगों को वापस देती है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बल्कि एक दो बातें और बताता हूं पंजाब की। पंजाब में अभी फैसला किया कल हमने, पंजाब आमतौर पे सरकार आती है तो सरकार आते ही सरकारी संस्थान जो हैं उनको घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। जैसे एयरपोर्ट दे दिए अंडानी को, सी पोर्ट दे दिए, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिए, रेल बेच दी, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया, निजीकरण कर दिया, सरकारी चीजों को प्राइवेट को बेच दिया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार एक साल हुआ है, भाई साहब उल्टी गंगा बहने लगी है। हमने कल ही फैसला किया, हम एक पंजाब में मौजूद एक बिजली का थर्मल प्लांट प्राइवेट जो घाटे में चल रहा था उसको खरीद रहे हैं हम, कि हम आपको सस्ती बिजली पैदा करके दिखाएंगे। दूसरा पॉइंट, उसके पीड़ित यहां भी बहुत होंगे, ये पर्ल कंपनियां, चिटफंड कंपनियां जो कहते हैं ना आपको कि आप पैसे दे दो दुगने कर देंगे तिगने कर देंगे, एक पर्ल कंपनी है, यहां भी पर्ल पीड़ित बैठे होंगे। पूरे देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनके पैसे मार गए, वो लोगों ने आत्महत्याएं तक कर ली क्योंकि पैसे लग गए सारे। हमने पंजाब में फैसला लिया है जितनी पर्ल कंपनी की
और जितनी भी और चिट फंड कंपनियां हैं उनकी पंजाब में जमीनें हैं, जायदादें हैं, शोरूम हैं, जो भी प्रॉपर्टी है उसको सरकार अपने कब्जे में लेगी और उसको नीलाम करके लोगों का पैसा उनको वापस करेंगे। हम ये कर रहे हैं पंजाब में। मैंने पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया था जब मैं एमपी था, तो जेटली साहब थे उस समय वित्त मंत्री, तो उन्होंने कहा जी वो अंदर है, वो पर्ल कंपनी का मालिक जेल में है। मैंने कहा जी उसको जेल में करने से लोगों को क्या फायदा हुआ? लोगों को पैसे वापस दे दो, उसको चाहे भरी कर दो, हम क्या करेंगे उसका जेल में? क्या पता नहीं जेल में भी सारी फैसिलिटियां मिलती होंगी उनको, तो वो तो जेल में भी टेनिस खेलते होंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर नीयत अच्छी हो सब कुछ हो सकता है। यहां छत्तीसगढ़ में बहुत पंजाबी रहते हैं, मुझे बहुत फोन आ रहे हैं पिछले 5-10 दिन से, कब आओगे बिलासपुर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, रायपुर में बहुत पंजाबी रहते हैं। तो मैं उन्होंने भी यह कहना चाहना कि तुसी भी आके देखो पंजाब, तुसी भी आके देखो अपनी शहीदां दी धरती, गुरुआं दी धरती। अज पंजाब दे विच झोने नूं लाउण वास्ते पहलां 8 घंटे बिजली हुंदी सी, असीं 15-15, 16-16 घंटे बिजली दे रहे हैं। नहरों का पानी खेतों को मिल रहा है। पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, लंदन, कैलिफोर्निया, पेरिस नहीं बनाना है, हमें तो हमारा पंजाब ही चाहिए। छत्तीसगढ़ को दोबारा छत्तीसगढ़ बना दो, हमें नहीं कुछ और कुछ बनना। इतनी अच्छी धरती दी हुई है, कोयला है और मेहनती लोग हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, सब कुछ है। नेता अच्छे नहीं है। जिस दिन आप जाओगे, आप भले ही मेरा पूरा भाषण आज का भूल जाना, एक बात याद रख लेना, भगवंत मान बिलासपुर में आया था, उसने ये बात कही थी, जिस दिन वोटिंग होगी छत्तीसगढ़ में, अंदर जाओगे एक छोटे से बक्से का जैसा मेरे सामने है, यहां पे मशीन पड़ी होगी, कोई नहीं देख रहा होगा उसको, आप अकेले ही होंगे। जल्दबाजी में कोई बटन मत दबाना, पहले यह देखना, हर चुनाव चिन्ह के सामने, हर बटन के सामने एक चुनाव चिन्ह है। तो मैं ये याद कराना चाहता हूं आपको कि बटन दबाने से पहले ये याद रख लेना कि ना तो वो बटन किसी हाथ पंजे का है, ना वो बटन किसी कमल के फूल का है, ना वो बटन किसी हाथी का है, ना वो बटन किसी और सीढ़ी का, सीटी का, या कोई भी और चुनाव चिन्ह, जहां ना ही वो बटन झाड़ू का है। असल में वो बटन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत का बटन है भाई साहब। सही बटन दबा दोगे किस्मत चमक जाएगी, नहीं दबाओगे तो पिछले 23 साल हो गए, 5 और जोड़ लो 28 हो जाएंगे। ये सुधरने वाले नहीं है भाई साहब, इनसे उम्मीद मत रखिए कि ये अच्छे हो जाएंगे, ये ठीक हो जाएंगे, ना। ये कांग्रेस बीजेपी सब एक ही हैं। कांग्रेस वाले तो आप कांग्रेस को वोट दे दोगे, उनका कोई पता नहीं कब अपने मुख्यालय के सामने फट्टा लगा दें कि यहां पर जनता द्वारा चुने हुए विधायक सस्ते रेटों पर बेचे जाते हैं। वो तो कभी कोई ले जाता 5, किसी का कोई बहुमत कम हो गया 5 कांग्रेस से ले लो, कांग्रेस भी नहीं माइंड करती, ले जाओ। वो कहते ना कि किसी आदमी पर इतनी गरीबी आ गई, लोग कहते हैं यार इतनी गरीबी आ गई, घर के बर्तन बेचकर गुजारा कर रहा है। कांग्रेस का भी वही हाल है, एमएलए बेच बेच के गुजारा कर रही है कांग्रेस। 10 तुम ले लो, 5 तुम ले लो, लोगों की वोट का कोई महत्व नहीं, तुम्हारे वोट बेच रहे हैं भाई साहब। वो वोट नहीं बेच रहे, वो शहीदों का खून बेच रहे हैं। शहीदों ने, भगत सिंह जैसे, राजगुरु सुखदेव जैसे, शहीदों ने अपना खून देकर ये वोटर कार्ड हमको बना के दिया है। इसको किसी के कहने पर या रिश्तेदार के कहने पर इधर उधर मत देना, वोट का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करो, मर्जी से करो, शहीदा की आत्मा को शांति मिलेगी। किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, किसी नदिया के घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते, तो जनता के प्यासे होंठ भी 2 बूंद पानी के लिए तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है
कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो इनसे कोई उम्मीद मत रखना। इस झाड़ू से हम इससे पहले सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। दिल्ली और पंजाब में हो गया, पूरे देश में होगा अब ये। और पंजाब में क्या, ढाई ढाई साल के बच्चे, 30-30 साल की लड़कियां एमएलए बन गई। पहली बार लड़े, हराए कौन? कांग्रेसी, भाजपाई, अकाली दल, बड़े बड़े दिग्गज। तो ये पब्लिक है जी, ये लोग हैं, ये पब्लिक है। पब्लिक जब चाहे आदमी अर्श पर और ऊपर जाके मोदी की तरह हंकार करे तो लोग कहते हैं आजा बेटा फर्श पर। ये हंकार में, बीजेपी हंकार में है। हम इसको भी तोड़ लेंगे, हम ये तोड़ लेंगे, इनकी पार्टी तोड़ देंगे, इनको जेल में डाल देंगे, इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे। दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं भाई साहब, दरियाओं को कभी रोका नहीं जा सकता। आम आदमी पार्टी जनता का दरिया है, आम आदमी पार्टी पब्लिक का दरिया है, इसको रोक नहीं सकोगे आप, इसको रोक नहीं पाओगे आप। तो इसलिए हम कहने आए हैं आपको, करप्शन फ्री, पढ़ाई नंबर वन, सेहत चिकित्सा में नंबर वन, और इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार, कोले की खदाने, इतना पैसा कमा सकता है छत्तीसगढ़। और वही पैसा अगर लोगों पर लगे तो छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं वो पढ़ लिख के बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर जा सकते हैं। पंजाब में भी पहले ऐसा था, अभी भी थोड़ा है कि बच्चे जो हैं कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं कि वहां अपना फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, सैकड़ों बच्चे, नौजवान लड़के लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपना फैसला बदल लिया कि अब सरकार हमारी आ गई है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब अपने देश में रहकर देश की सेवा करेंगे, यही नौकरी करेंगे, यहीं पर हम अपने परिवार में रहेंगे।